उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ मंडलीय सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार संगोष्ठी गोरखपुर बस्ती एवं आजमगढ़ मंडल का आयोजन शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ नेता शिक्षक दल के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में MLC ध्रुव कुमार त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक नेता और शिक्षक उपस्थित रहे। इस मंडलीय सम्मेलन में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को माल्यार्पण कर अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही शैक्षिक विचार संगोष्ठी में शिक्षकों के साथ हो रही उपेक्षाओं पर चर्चा की गई। प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन प्रणाली को खत्म किए जाने व नई पेंशन प्रणाली को लागू किए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई। साथ ही विद्यालयों में समय से अध्यापकों को मासिक वेतन और समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई और सरकार से मांग की गई शिक्षकों की उपेक्षा बंद करें, साथ ही शिक्षकों का उत्पीड़न न करें। नए सत्र में विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि शिक्षकों का पूरे प्रदेश के विद्यालयों में भारी अभाव है। ये भूल गए ना, मुझे तो याद है। एक एक करके प्रयास हो रहे हैं कि जो आपने अर्जित किया उसे छीन लिया जाए। पहचान छिन गई, छुट्टी छिन गई और बहुत सी छुट्टियां छिन गई। हमारे पश्चिम में सावन की तीज महिला शिक्षकों का अधिकार बना हुआ था। सावन की तीज पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाली तीज जिसे कहते हैं छिन गई और महिलाओं के कई अधिकार कई छुट्टियां छीन ली गई। छुट्टियां और कौन कौन सा अधिकार चुपचाप छीन लिया जाएगा कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन जागरूकता ही इसका प्रिडिक्शन है। जागरूक रहेंगे तो कोई नहीं छीन सकता और अगर निगरान में आ गए तो सब कुछ छीन जाएगा। ये साफ साफ बात कई प्रकार से हो चुकी। अभी हमारा विधान परिषद का अधिवेशन हो रहा था, अधिवेशन में एक सवाल हमारी तरफ से पूछा गया, शिक्षक दल की तरफ से पूछा गया, मैंने ही पूछा तो बुलंदशहर जनपद में ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। सीधा सवाल उत्तर आया 4 विद्यालय जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। पूरा प्रश्न हमने किया, हमारे सभी साथी मौजूद थे, गुरु जी भी मौजूद थे। हमने पूरा प्रश्न किया कि इस जनता के ये विद्यालय जो जो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब हैं, इस क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा का क्या हाल है। सरकार जिम्मेदार है शिक्षा की और शिक्षक नहीं मिल रहे हैं तो क्या ऐसी कोई स्थिति है। बोले नहीं, उन्होंने पढ़ाई तो जारी रखी है। कैसे अध्यापक नियुक्त है वो पढ़ा रहे हैं। हमने पूछा कि PTA कोई लीगलाइज कानून है, उस कानून से प्रबंध समिति PTA के अंतर्गत रखती है। कोई नहीं, नहीं है सर, घबराए उत्तर देने वाले। और फिर कहा जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उन्हें मानदेय के आधार पर हम रखेंगे। एक शब्द भी ये नहीं कहा कि नए टीचर चयन बोर्ड के हमारे माननीय सदस्य आए थे यहाँ, है ना, एक शब्द नहीं कहा कि चयन बोर्ड गठित है, चयन बोर्ड के द्वारा शिक्षक प्रत्येक विद्यालय को मिल जाएगा
शब्द नहीं कहा सदन में, तो क्या है हमारा अधिकार छीना भी नहीं? नियुक्ति का अधिकार शिक्षक का है, जो योग्य शिक्षक है उनकी नियुक्ति करेगा। चयन बोर्ड इसी संगठन की द्वारा चयन बोर्ड का गठन हुआ। ये संगठन जब पैरिटी की मांग कर रहा था, समानता की मांग कर रहा था, समान कार्य के लिए समान वेतन, इस रूप में तो अब कहा हमारा संगठन कहता था जो वेतन मान राजकीय शिक्षकों के हैं वही वेतन मान हमारे होने चाहिए, यही तो मांग कर रहा था। ये मांग हमारी 1973 में पूरी हो गई और 1973 में ये फैसला हुआ कि हम कोई विद्यालय अनएडेड नहीं रहेगा। जो 700 विद्यालय अनएडेड हैं वो 700 विद्यालय 301 साल यानी 1974 में, 302 साल यानी 1975 में, और 101 साल यानी 1976 में, 76 तक सब गांधी रेट पर आ जाएंगे और सबको समान वेतन मिलेगा। आज वो समान वेतन सब लोग पा रहे थे, लेकिन सरकार ने अचानक दबे पाओ वो अधिकार छीन लिया। शासी में ले आए एज अमेंडमेंट छोटा सा, कहा 1986 में अमेंडमेंट लाए कि धारा 7(4) में जो मान्यता मिलती है उसी मान्यता के साथ एक नई मान्यता धारा 7(a) में होगी, इंटरमीडिएट एक्ट की धारा 7(a), और उसके साथ साथ जोड़ दिया गया धारा 7(a) के अंतर्गत प्रबंधक को अधिकार होगा कि वो प्रबंधक अंशकालिक शिक्षक की नियुक्ति कर लेगा।